he or she is doing something wrong. उसके बाद जब नहीं मानता है तो फिर दादा को, दादी को, चाचा को, चाची को, मामा को, उसके दोस्तों को कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि भैया इसको समझाओ. In my opinion, he or she is doing wrong. आप हाथ नहीं खींचते हो, फिर प्रयास करते हो, नहीं करते. और जब वो बिल्कुल नहीं मानते हो तो फिर कहते हैं भाग जाओ. लेकिन उसके पहले कई प्रयास हम करते हैं ड्यू टू सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप कैसे भी नहीं छोड़ सकते किसी भी कंडीशन में अपने फैमिली मेंबर को. जहां भी आप जॉब करते हो सबसे पहले वो टीम वर्क की बात कर रहे हैं. आपने कहा मुझे टीम वर्क सीखना है, आपने कहा मुझे टीम वर्क सीखना है. तो टीम वर्क क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ टीम वर्क? टीम वर्क का मतलब ये होता है कि अगर मुझे कांटा चला है तो जितना दर्द मुझे हो रहा है उसका 10% आपको भी होना चाहिए कि नहीं यार कांटा यार बहुत गलत हुआ, दवाई लगा लो, दुख हो रहा है तो लगा लो. बस नहीं तो 2 मिनट करना जरूर देंगे और उसके साथ अपन 2 मिनट को कहेंगे जरूर कि यार नहीं यार वो गलत हुआ यार. उसके साथ ज्यादा अच्छा रहता 2 मिनट को हंसाने के लिए, उसका दर्द कम करने के लिए. दैट इज अ टीम वर्क. टीमवर्क का मतलब होता है कि हमने काम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और एक पूरे एफर्ट के साथ हम किसी चीज को अचीवमेंट करना है. और अगर टीमवर्क आप में नहीं है ना बिजनेस कर सकते हो ना जॉब कर सकते हो. कॉलेजेस में जब भी एक्टिविटी होती है स्टूडेंट एक्टिविटी होती है उसमें टीमवर्क की बात क्यों करते हैं हम? प्रोजेक्ट में 4 लोग क्यों रखते हैं? ये बात अलग है कि हम आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपना ग्रुप मेंबर बना लो. बट एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन मेरी ड्यूटी है कि 4 और पर्सन को इकट्ठा कर लो. 4 और से मतलब समझते हो जिनकी आपस में ग्रुप ना बनती हो उनको एक टीम में डाल दो. आप प्रोजेक्ट बनाओ. दे विल लर्न हाउ टू हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर टू गेट द आउटपुट ऑफ द रिजल्ट, गेट द आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट, गेट टू ब्रिंग द प्रोजेक्ट फाइनली. आपको अगर टीसीएस में जॉब मिल गई है और आपके अंडर में 8 लोग या 10 लोग की टीम है, 10 में से 3 कोई दूसरी कास्ट के हैं, 2 कोई दूसरी कास्ट के हैं, 2 कोई दूसरी कास्ट के हैं. कास्ट से मतलब समझ गया हो, कोई नॉनवेज वाला है, कोई वेज वाला है, कोई समथिंग एल्स का है, कोई बहुत ज्यादा और तीसरी बात करता है, कोई बुंदेलखंडी बोल रहा है, कोई इंग्लिश में कर रहा है, बहुत कोई दो इंटेलिजेंट है, कोई गधा फंस गया तो कहने की जाने जाने ले लोगे. आपको हमने शायद पहले भी कर पा आपको और खरगोश की कहानी जो अब चल रही है वो गई कि खरगोश जीत गया. आज की डेट में टीमवर्क की जब बात हो रही है तो कछुआ खरगोश को कहना है कि जितनी देर तक है कछुआ खरगोश को लेकर चले फिर बाद में खरगोश कछुआ एक साथ ही चलेंगे, दौड़ेंगे नहीं हमारे दूसरे. वी हैव टू मेक अ टीम और हम दोनों एक साथ अपने मोशन पर पहुंचेंगे टारगेट पे. दैट इज अ टीम वर्क. एंटरप्रेन्योर का मतलब है जो व्यापार करना चाह रहा है, जिसके मन में फियर ना हो, जो रिस्क लेना जानता हो. मींस यू हैव टू टेक अ रिस्क. जिसके पास सब इनोवेशन हो. अगर आप कितने लोग गांव से आए, छोटे शहर से आए, मतलब गांव से मतलब छोटे शहर, कितने लोग हैं? सभी लोग